नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का यूट्यूब चैनल इन खबर। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज बात होगी देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की। आखिर कहां है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी धारा 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही है, और इसी पर बात करेंगे आज। पिछले कुछ समय से जिस तरह से आपने देखा 370 का जो मुद्दा था वो राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ। कई कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्होंने 370 पर सरकार को सपोर्ट किया। जब ये बात सामने आई थी कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उम्मीद तो लगाई थी कि सरकार जरूर कुछ बड़ा करेगी। देश के भी लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करने वाली है, पर किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि आखिर सरकार 370 पर इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, और सरकार ने वो काम कर दिखाया। आपको याद होगा जो तमाम पार्टियां एनडीए का विरोध करती हैं, सरकार की नीति का विरोध करती हैं, जैसे बात बीएसपी की जाए, आम आदमी पार्टी की जाए, उसने भी सरकार का 370 पर समर्थन किया था, या एडीएमके का भी समर्थन हुआ था, बीजू जनता दल का भी समर्थन आया था। कांग्रेस के कुछ नेता, मिलिंद देवरा की बात की जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 370 का समर्थन किया, पर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर दिशाहीन नजर आई। कांग्रेस बेबस नजर आ रही है। कांग्रेस के पास चुनौती बहुत सारी है। आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड और मेरे ख्याल से हरियाणा का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अब तक कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। आपको याद होगा 23 मई को जब नतीजा आया था तो यह उम्मीद नहीं लगाई गई थी कि बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। ये तो सबको उम्मीद हो रही थी कि बीजेपी जीतेगी, पर इतने सारे आंकड़े बीजेपी को मिलेंगे, इतनी सारी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। कांग्रेस 2019 रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। एमपी के चुनाव हुए थे 2018 में, आपको याद होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ में जो जीत कांग्रेस ने दर्ज की थी, उसके बाद कांग्रेस में एक बहुत, उसका कांग्रेस पार्टी का मनोबल काफी बड़ा था। यही मनोबल जब 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे, जो सरकार तो बीजेपी की बनी, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर था, 15 साल वहां पर बीजेपी की सरकार चली है, उसके बावजूद भी जब 2018 में चुनाव हुआ तो सरकार बीजेपी की बनी, पर जितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी, एक तरह से कांग्रेस की ये बहुत बड़ी जीत साबित हुई थी। कांग्रेस के लोगों का, जो तमाम मंत्री और नेता थे, उनका मनोबल बढ़ा था। फिर जब मुझे याद है इतिहास में कोई भी राज्यसभा चुनाव इस तरह कवर नहीं किया गया है मीडिया में जिस तरह गुजरात का राज्यसभा चुनाव कवर किया था, जहां पर अहमद पटेल की जीत हुई थी। जब अहमद पटेल जीते थे तो कांग्रेस में एक नई ऊर्जा सामने आई थी, और इसी ऊर्जा के साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस ने जीत भी दर्ज की थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो कांग्रेस दिशाहीन नजर आ रही है। कांग्रेस के पास अब तक कोई अध्यक्ष नहीं, और यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर नतीजे आने के 2-2.5 महीने बाद भी अब तक कांग्रेस के पास कोई प्रेसिडेंट क्यों नहीं है। सोनिया गांधी पूरी कोशिश करती है कि तमाम नेताओं को एक साथ लेते चले, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेता इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो चुपचाप बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का मनोबल जरूर कम हुआ है, पर कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने है कि आखिर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।